हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 200 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक से अपाचे 200 एंड पल्सर एनएस 200। इन दोनों इंडियन ब्रांड्स में काफ़ी बड़ा कंपटीशन चल रहा है अपने स्पोर्ट बाइक की कैटेगरी में। दोनों बाइक अपनी जगह पे बेस्ट है, तो अगर आप इन दोनों बाइक में कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं आपको ऐसे 8 रीजंस बताऊंगा जिसमें आप अपाचे 200 पे जा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखना और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आते हैं पहले रीजन पे, लुक्स एंड डिज़ाइन। पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि डिज़ाइन में और लुक्स में पल्सर भी अच्छी है, लेकिन अब ये 2020 ख़त्म होने को है और 2014 से सेम डिज़ाइन में बजाज पल्सर को सेल कर रही है, और हम ये चाहते हैं कि जल्दी पल्सर एनएस को मेजर सा अपडेट मिले। अपाचे की बात करें तो ये लुक्स में काफ़ी शार्प है, इसके लुक्स काफ़ी फ्रेश लगते हैं। दूसरा रीज़न है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोस्तों, यह एक बात आपको बताता हूँ कि मुझे पर्सनली एनालॉग डिजिटल कंसोल पसंद है। स्टिल आप अपाचे का कंसोल देखते हैं तो आपको उससे प्यार हो जाएगा, इतना अच्छा है। मतलब वो दिखने में भी बहुत अच्छा है और उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो पल्सर में नहीं मिलते, जैसे कि गियर पोजिशन इंडिकेटर, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, टॉप स्पीड रिकॉर्डर, 0 to 60 टाइमर। उसमें आपको मैट्रिक डिस्प्ले भी मिलता है जिसमें आपको एवरेज स्पीड भी दिखाता है और कॉल्स मैसेज के नोटिफिकेशंस भी दिखाता है। ओवरऑल अपाचे का इंस्ट्रूमेंट कंसोल बहुत मॉडल है। तीसरा रीज़न है स्लीपर क्लच। स्लीपर क्लच इस प्राइस रेंज में किसी भी गाड़ी में नहीं आता है। ये फीचर तो मैं कहता हूँ कि फन से ज़्यादा लाइफ सेविंग है। उसमें आपको डाउनशिफ्ट करते समय रियर व्हील लॉक नहीं होता है, और अपाचे में जो स्लीपर क्लच है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। चौथा रीज़न है ABS। अपाचे में आपको सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है, और ये बहुत अच्छा फीचर है। ड्यूअल चैनल ABS होने के बावजूद इसका प्राइस पल्सर जितना ही है। पांचवा रीज़न है राइड मोड्स। इस सेगमेंट में कौन सी भी बाइक देखते हैं आप तो इसमें राइड मोड्स नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ मार्केटिंग और फैंसी फीचर नहीं है, असली में पावर और टॉर्क फिगर इसके चेंज होते हैं और ABS का भी रिस्पॉन्स अलग होता है, तो ये राइड मोड सच में काम के है। उसमें आते हैं रेन, स्पोर्ट और अर्बन मोड। तो बात करते हैं छठा, सिटी ड्राइवेबिलिटी। अपाचे का हाईवेज पे परफॉर्मेंस भले ही एनएस जैसा ना हो, लेकिन अपाचे सिटी में कौन से भी गियर में अच्छे से खींचना स्टार्ट कर देती है। इसका मिड रेंज और लो एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सिटी में राइड करते वक्त आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाकी फीचर्स की बात करें, सेवंथ रीज़न है ये ग्लाइड टू टेक्नोलॉजी। सिटी में काफ़ी यूजफुल है ये फीचर। विदाउट ऑपरेटिंग थ्रॉटल यह क्रॉल करना शुरू कर दी है विदाउट शटिंग और स्टॉलिंग द इंजन। अनदर फीचर है इसका फेदर टच स्टार्ट, और दूसरा है ऑल LED हेडलाइट्स। आठवां रीज़न है एडजस्टेबल सस्पेंशन और लीवर्स, आई मीन रियली TVS। इतने कम प्राइस में सुपर बाइक वाले फीचर्स आपको अपाचे में मिल रहे हैं, और आपको पता ही है NS 200 और 200 4V का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑन पेपर पावर फिगर्स देखें तो बहुत डिफरेंस है, बट आप रियर वर्ल्ड में चलाओगे तो 18-20 का फ़र्क है, 19-20 का नहीं, 18-20 का फ़र्क है वो। और मेरे हिसाब से सिर्फ पावर को ही देखते NS लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर NS में कोई बड़ा अपडेट आया, मेजर अपडेट आया, तो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं NS लेने का। तो प्रेजेंट की बात करें तो अपाचे लेना ही सबसे बेस्ट रहेगा। और गाइज कमेंट में बताना आपको NS के न्यू कलर स्कीम कैसी लगी, और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।